Assalamualaikum viewers, welcome to my channel Beauty at Home. This is Amna. तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे. अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे. जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ एक नई रेमेडी लेकर आपके सामने हाजिर होती हूँ. आज की जो हमारी रेमेडी है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है हेयर केयर, कि हम अपने बालों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, हम अपने बालों को लॉन्ग और थिक कैसे बना सकते हैं, अपने बालों से डैंड्रफ कैसे रिमूव कर सकते हैं. सबसे पहले मैं आपको टिप नंबर 1 आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपने बालों को रोज़ाना कॉम्ब करें. अपने बालों को जब आप रोज़ाना कॉम्ब करेंगे तो आपके बालों से डैंड्रफ रिमूव हो जाएगा. उसके बाद टिप नंबर 2 है कि आप अपने बालों को हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर वॉश करें. अपने बालों को वॉश करेंगे, उनको क्लीन करेंगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे. और आज मैं आपके साथ एक प्रोटीन मास्क शेयर करूंगी, जिसको आप अपने बालों में हफ्ते में 1 दफ़ा लगा लेंगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे, लॉन्ग हो जाएंगे और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. अब आप अंडा देख रही हैं तो आपके जहन में एक ही चीज़ आ रही होगी कि अंडे की स्मेल इतनी देर तक बर्दाश्त कौन करे. और लेकिन अगर मैं आपके साथ अंडे की रेमेडी शेयर कर रही हूँ तो बिल्कुल मैं इसकी स्मेल को भगाने के लिए कोई ना कोई चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी. तो जी, मैं आपको एक ऐसी चीज़ ज़रूर बताऊंगी जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो अंडे की स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन इसकी प्रोटीन जो है अंडे की, वो पूरी की पूरी आपके बालों को मिलेगी, जिससे आपके बाल शाइनी होंगे, जिससे आपके बाल स्ट्रॉन्ग होंगे, थिक होंगे. तो इसके लिए हमें चाहिए 1 लेमन. इसके अंदर हम लेमन ऐड करेंगे. जब हम इसके अंदर लेमन ऐड करेंगे तो अंडे की स्मेल बिल्कुल फुर हो जाएगी, बिल्कुल गायब हो जाएगी और प्रोटीन जो है अंडे की, वो बिल्कुल आपको 100% मिलेगी. तो हम इसके अंदर ने लेमन को काट लिया है तो हम इसके अंदर पूरे का पूरा 1 लेमन ऐड कर देंगे. इससे ये होगा कि अंडे की स्मेल बिल्कुल गायब हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. और जो लेमन होता है वो आपके बालों को स्मूथ और शाइनी बना देता है. तब आप ये लेमन अप्लाई करेंगे और उसके बाद अपने बालों को धोएंगे तो आपको पहले ही वॉश में बहुत खूबसूरत रिजल्ट्स मिलने वाले हैं. आपके बाल इतने शाइनी और इतने थिक हो जाएंगे और इतने ग्रो करना शुरू हो जाएंगे कि आप दुआएँ देंगे इंशाल्लाह ताला मुझे. इसको हम मिक्स कर लेते हैं. इसके बाद हमने इसके अंदर क्या ऐड करना है, इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है एलोवेरा जेल. बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ है एलोवेरा. हमने तकरीबन 1 स्पून ऐड किया है इसके अंदर और एलोवेरा से बाल स्मूथ हो जाते हैं, उनके ऊपर एक शाइन आ जाती है. ये तीनों चीज़ें इतनी कमाल है कि अगर आप उनको हफ्ते में 1 दफ़ा इनका मास्क अप्लाई कर दें अपने बालों के ऊपर तो आपके बाल बहुत ही हर किस्म की प्रॉब्लम से आपको बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा. हर किस्म की प्रॉब्लम से आप बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे. तो इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है. उसके बाद आप इसको, जैसे आप कलर करते हैं किसी भी ब्रश से, आप इसको अपने बालों पर अप्लाई कर लें और तकरीबन 1/2 घंटा या फिर घंटा, जितनी देर आप लगाना चाहें आप इसको लगाएं. तो उसके बाद आप अपने बालों को टाई कर लें, क्लोज कर लें अपने बालों को और घंटे या 1/2 घंटे के बाद अपने बालों को वॉश कर लें. आप यकीन जाने बहुत ही कमाल के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे. आपके बाल इतने अच्छे हो जाएंगे, पहले ही वॉश में आपको पूरा प्रोटीन मिलेगा बट आपको कोई स्मेल बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल स्मेललेस हो जाएगा सारा. हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और देन हमने इसको अप्लाई कर लेना है अपने बालों के ऊपर. उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा और इसके रिजल्ट आपने मेरे साथ ज़रूर शेयर करने हैं. आज तक के लिए इतना ही. खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियां बिखेरते रहें. तो आज तक के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ. अल्लाह निगहबान.